क्या जाने अदरक का स्वाद। दो हफ्ते पहले सारी दुनिया के गोरे जान बचाने के लिए अफगानिस्तान से दुम दबाकर पाकिस्तान पहुँचे कि पाकिस्तान एक महफूज मुल्क है, लेकिन मुसलसल कई दिन होटल से प्रैक्टिस के लिए ग्राउंड जाने वाली टीम के लिए अचानक से पाकिस्तान गैर महफूज मुल्क कैसे हो गया। इसे कहते हैं मतलब निकलने के बाद पीठ में छुरा घोंपना। कुछ ऐसा ही न्यूजीलैंड की टीम ने किया। मैच खेलने से सिर्फ आधा घंटे पहले सिक्योरिटी थ्रेट का बहाना बनाकर ऐसे रफू चक्कर होने की बातें करने लगे जैसे पाकिस्तान में खुदा न खौस्ता दुश्मन मुल्क भारत ने हमला कर दिया हो। लेकिन उसकी इतनी जुर्रत कहाँ। अभिनंदन की याद अभी भूले नहीं। बंदर तमाशा करने वाला भारतीय मीडिया पाकिस्तान न्यूजीलैंड सीरीज शुरू होने से चंद रोज पहले ही पेशगोईयां कर रहा था कि न्यूजीलैंड दौरे पाकिस्तान मुलतवी हो जाएगा। न्यूजीलैंड के दौरे पाकिस्तान से मुतल्लिक गुमराहकुन प्रोपेगेंडा कर रहा था। पाकिस्तान महफूज नहीं है, पाकिस्तान में सुरक्षा नहीं है, पाकिस्तान जाना सेफ नहीं है। किसी भी देश में कि मैच अगर रुकता है तो बारिश की वजह से रुकता है, और यहाँ पर जो है सुपर सॉपर्स चलते हैं और बारिश का पानी सुखाया जाता है। ये पहला ऐसा है जहाँ पूरे मैदान में ऐसे ले लेके घूम रहे, कहीं बंद तो नहीं लगा दिया। अब अफगानिस्तान की सूरत हाल को बुनियाद बनाकर आरएसएस के इशारों पर नाचता भारतीय मीडिया न्यूजीलैंड और इंग्लैंड की क्रिकेट टीमों के दौरे पाकिस्तान मुलतवी होने के बाद जश्न मनाने लगा, और ये तासुर दे रहा है कि पाकिस्तान गैर मुल्की टीमों के लिए महफूज नहीं। इसमें कोई शक नहीं कि भारतीय ज़राए अब्लाग पाकिस्तान के खिलाफ हाइब्रिड वॉरफेयर का हिस्सा बन चुका है। ईयू डिसइन्फो लैब रिपोर्ट ने भारत के मुंह पर कालक मलती। रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि भारत ने दुनिया में पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए जाली नेटवर्क कायम कर रखा है। अभिनंदन मिश्रा है जो ब्यूरो चीफ है संडे गार्डियन के, 21 अगस्त को उसके ऊपर हिंदुस्तान में यह आर्टिकल पोस्ट किया जाता है कि न्यूजीलैंड टीम जो है वो अंडर थ्रेट। protomail.com की एक आईडी से जो मार्टिन गप्टल है उनकी बेगम को एक ईमेल जनरेट की जाती है, और उनको ये थ्रेट किया जाता है कि मार्टिन गप्टल को पाकिस्तान में कत्ल कर दिया जाएगा। न्यूजीलैंड की टीम ने जाने से पहले ये भी नहीं सोचा, जब न्यूजीलैंड में हमला हुआ सबसे पहले पाकिस्तान की टीम ने खतरात के बावजूद वहाँ के मैदानों की रौनकें बहाल की थी। ये तो सुना था खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। इंग्लैंड की टीम को भी सिक्योरिटी खदशात ने घेर लिया और ताहाल पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया। I share the deep sadness of cricket fans that England will not tour Pakistan in October. Mujhe afsos hai. This was a decision made by the ECB, which is independent of the British government, based on concerns for player welfare. The British High Commission supported the tour, did not advise against it on security grounds. I've been a champion of international cricket's return to Pakistan and will redouble my efforts in advance of England's autumn 2022 tour. My thanks to all at the PCB who have worked so hard in support of that. Main umeed karta hoon that we'll soon hear the roar of full cricket stadiums again. इसके बरक्स दुनिया भर में पाकिस्तान को पजीराई मिली और न्यूजीलैंड की जग हसाई हुई। क्रिकेट की दुनिया के बेताज बादशाह चाहे वो किसी भी कोने से ताल्लुक रखते हों पाकिस्तान के हक में बोल पड़े। इंडियन क्रिकेटर धोनी का पाकिस्तान के हक में बोलना भी मोदी के मुंह पर तमाचा है। डेरिन सैमी ने ट्वीट की और कहा कि मैं जब भी पाकिस्तान गया खुद को महफूज पाया। क्रिस गेल ने तो पाकिस्तान आकर पाकिस्तानियों के दिल जीत लिए। न्यूजीलैंड के पीछे छुपी आरएसएस की साजिश हमारे हौसले पस्त न कर सकी। हम फिर से अपने ग्राउंड्स की रौनकें इंटरनेशनल क्रिकेट के जरिए एक बार फिर से बहाल करेंगे, क्योंकि इस माँ धरती के अमन के लिए सिक्योरिटी इदारे, रियासत, अवाम सब अपनी धरती माँ पर जान निछावर करके दुश्मन के ख्वाब चकनाचूर बनाएंगे। Oh, chopped off!